दोस्तों आपका होस्ट आपका दोस्त नदीम 48 एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं जलोबन से गुजरा था तो यहाँ पर मैंने बड़ा खूबसूरत किस्म का चित्रा और एक बड़े खूबसूरत किस्म की जो देसी नस्ल की बकरी देखी, तो मैं सोचा आप दोस्तों के लिए रिकॉर्ड करूँ। तो ये भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, क्या हाल है? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है सर। क्या नाम है आपका? आसिफ अली। आसिफ अली, आसिफ अली भाई ये बताइएगा कि आपको शौक है छतरी बकरे पालने का? जी बिल्कुल शौक है, चंद माह से ना शौक पड़ा। अच्छा, तो इनकी बस खिदमत कर रहे हैं। इसके अलावा भी और रखे हुए हैं? बस ये दो ही हैं। ये भी शौकिया तौर से रखे हुए हैं। अच्छा, ये बिजनेस का कोई आइडिया नहीं, सिर्फ शौक है? बिल्कुल कोई नहीं, सिर्फ शौक के रखे हुए हैं। तो इनके लिए तो बड़ी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। जी बहुत केयर करना पड़ता है, आजकल ना वैसे भी बरसात का मौसम है। अच्छा, और ना आपको तो पता है बीमारी वगैरह ऐसे फैलती है। ये देखिए इनके कानों पे ना रेशा सा बना हुआ था बरसात की वजह से, कीड़े बने हुए थे। अभी इनको मेडिसिन वगैरह दी है, माशाल्लाह आप ठीक हैं। ये ना, यानी कि आप कहने का मतलब है कि बरसात के मौसम, बरसात में बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल ना जानवरों को। अच्छा, आजकल जानवर बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो आपने ये कितने में ये बकरी परचेज की थी? ये तो छोटा सा बच्चा लिया था, अब तो माशाल्लाह ठीक हो गई है। अच्छा। उस वक्त ये 11,000 के करीब ली थी, अब ये ठीक है, अब तकरीबन 25 से 26 हज़ार तक है। माशाल्लाह, ये कौन सी नस्ल का है सर? ये टैडी है। टैडी नस्ल का है, ये देसी और टैडी है? देसी और टैडी मिक्स है। और छतरा? ये छतरा है ना, ये मुंद्रा टॉप का। अच्छा, ये मुंद्रा है। हाँ जी। तो ये कितने में परचेज किया था आपने? ये तकरीबन 16,500 का। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू।